खून पीना छोड़ दो, खून पीना छोड़ दो, पेंडिंग वेजर रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, पेंडिंग वेजर रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, जालिमों हाकमो, खून पीना छोड़ दो, जालिमों हाकमो, खून पीना छोड़ दो, एलजी साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, एलजी साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, एसआरओ चौंट लागू करो, लागू करो, लागू करो, टेलीविजन को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, तमाम टेलीविजन को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, पेंडिंग वेजर रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, जालिमों हाकमो, खून पीना छोड़ दो, जालिमों हाकमो, खून पीना छोड़ दो, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, जालिमों हाकमो, खून पीना छोड़ दो, जालिमों हाकमो, खून पीना छोड़ दो, जोशो क्रोश 22 जून 2022 जो हमने शुरू किया था आज भी वैसा ही है और हम लोग घर से फैसला करके निकले थे 22 जून 2022 कि या तो हम रेगुलर होंगे या हम टर्मिनेट होंगे, लेकिन अब मान सम्मान की लड़ाई है। हम लोगों ने अपना जिंदगी का गोल्डन ब्रिज डिपार्टमेंट को समाज को दे दिया, अब बदमजूरी नहीं होगी, अब फैसला आर पार की लड़ाई है और 22 जून 2023 को एक साल जो हमें होने वाला है, आपके माध्यम से तमाम डेलीवेज साथियों को ये अपील है कि सबके सब जम्मू पहुंचे और 2 दिन का प्रोग्राम 23 को अमित शाह जी सोना जम्मू में आ रहे हैं, उनकी रैली का विरोध किया जाएगा, आप पीछे नहीं हटा जाएगा, वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसमें 9 साल बेमिसाल उनके लिए, हमारे लिए तो 9 साल बिल्कुल बेकार। पहली सरकारों ने हमारा वेजेस रोकी नहीं, इन्होंने जो इनके टाइम का 72 महीने का जो पेंडिंग है 2014 के बाद हुआ, पहले पेंडिंग नहीं था इतना जितना इनके टाइम, जितनी मार हमें इनके टाइम लगी पहले कभी नहीं लगी, जितनी ड्रामेबाजी, जितना कानूनी पछड़े इनके टाइम आए, जितनी फॉर्मेलिटी इन्होंने दिखाई इतनी किसी ने दिखाई, और मैनुफेस्टो में रखने के बाद आज ही हमें कहते हैं ऐसे नहीं, हम आपको मिनिमम वेज दे देंगे, हम आपको इतनी दिहाड़ी दे रहे हैं, हमने आपका 9,000 किया, आपने हमारा 9,000 क्यों एहसान नहीं किया, आपने सिलेंडर भी 400 से 1200 कर दिया, खाने पीने की चीज़ों की वस्तुएँ कहाँ से कहाँ पहुँच गई, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, इस सब का जवाब और सवाल सब कुछ होगा टाइम आने पर, वो हवा से जीता है, क्योंकि इनका जो हिसाब है वो है कि बाहर वाले लोग जो आए वो 1,000 रुपए ज्यादा ले रहे हैं, अपन लोगों को ये कुछ नहीं देंगे, लेकिन सरकार से बेनिफिट ये पूरा ले रहे हैं, एसी ऑफिस, सरकारी गाड़ियां, सरकारी बंगलों का इस्तेमाल पूरी जोर शोर से कर रहे हैं, सरकारी सिक्योरिटी का जोर शोर से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन डेलीवरी को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, और आपके माध्यम से इनको एक चेतावनी है कि आप लोग अगर इतने ही वो तो आज कह दो हमें डेलीवेज की जरूरत नहीं है, हम बगैर डेलीवेज के वोट के इलेक्शन जीत के दिखाएंगे, जीत के दिखाओ, हम भी बताएंगे हिमाचल वाला हाल या कर्नाटक का हाल नहीं हुआ तो हमें कहना चाहिए।